अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी कुछ सिंपल से रेमेडीज़ जिनको यूज़ करके आप अपने लार्ज पोर्स यानी कि खुले हुए मसामों को बंद कर सकते हैं। हमारी स्किन पर छोटे छोटे ओपनिंग्स या ओपन पोर्स रहते हैं जो कि स्किन के अंदर से ऑयल्स और स्वेट को स्किन सरफेस पर लाते हैं या रिलीज़ करते हैं। हम सबकी स्किन पर ये पोर्स रहते ही रहते हैं। इनकी मदद से हमारी स्किन सांस ले पाती है और इन्हीं की मदद से हमारी स्किन हाइड्रेट और मॉइस्चराइज रहती है। लेकिन कुछ रीजंस की वजह से, जैसे कि एजिंग, सन एक्सपायर, ऑयली स्किन या फिर हम अपनी स्किन का ख्याल नहीं रखते, इसे अच्छे से क्लींस नहीं करते, इसकी वजह से पोर्स में एक्सेसिव ऑयल, डेड स्किन सेल्स और डर्ट जमा हो जाती है, जिसकी वजह से इनका साइज़ बढ़ जाता है या पोर्स ब्लॉक हो जाते हैं और ये पिंपल्स की एक वजह भी बन जाते हैं। पास लोग ये कंप्लेंट करते हैं कि उनकी जिल्द के मसाम खुल जाते हैं, इन्फ्लेमेशन या एलर्जी हो जाती है या स्किन पर पिंपल्स निकल आते हैं। एक तो ये कि ये प्रॉब्लम जेनेटिक भी हो सकती है और दूसरा ओपन पोर्स को क्लीन करने और इन्हें श्रिंक करने के लिए ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। इसके लिए आज की वीडियो में आपको दो होम रेमेडीज़ बताऊँगी। सबसे पहले हम शुगर स्क्रब रेडी कर लेते हैं। इसके लिए मैंने एक टेबल स्पून ऑलिव ऑयल यानी कि एक खाने का चम्मच जैतून का तेल लिया है। इसमें मैं दो खाने के चम्मच यानी कि 2 टेबलस्पून चीनी की ऐड कर रही हूँ। एक दरमियाने साइज़ का लीमू लेंगे, इसे मिट से कट करके स्क्वीज़ कर लेते हैं। यहाँ पे मैं पूरा लीमू इस्तेमाल कर रही हूँ स्क्रब को बनाने के लिए। ये लगभग 1 से 1.5 खाने का चम्मच लीमू का रस बनेगा। सीड्स को रिमूव कर देते हैं। अब एक स्पून या स्पैचुला की मदद से हम इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अगर चीनी के ज़रे बहुत मोटे हैं तो आप एक पत्थर की मदद से इसको थोड़ा बारीक कर लें। हमने इसका फाइन पाउडर नहीं बनाना, इसको दानेदार ही रखना है। स्किन पे जहाँ जहाँ ओपन पोर्स हैं आपने इसे जेंटली रब करना है 2 से 3 मिनट के लिए और बेस्ट रिजल्ट के लिए आपने इसको कम से कम 4 से 5 मिनट के लिए छोड़ देना है। इस शुगर स्क्रब से आपके ओपन पोर्स कम्प्लीटली श्रिंक नहीं होंगे, लेकिन ये आपकी स्किन को रिजुविनेट करेगा और ओपन पोर्स क्लीन और हील करने में हेल्प करेगा, जिसकी वजह से आपके पोर्स मज़ीद लार्ज नहीं होंगे यानी कि मज़ीद नहीं बढ़ेंगे। आप इसे वीक में 1 से 2 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट रेमेडी की तरफ। इसके लिए मैंने एक पका हुआ केला लिया है। अगर ये इस तरह थोड़ा पका हुआ हो तो ज़्यादा बेहतर है। इस रेमेडी के लिए हम केले की बजाय उसके छिलके इस्तेमाल कर रहे हैं। केले के छिलके पोर्स को क्लीन करने के लिए ग्रेट रेमेडी के तौर पर माने जाते हैं। अब मैं एक फोक की मदद से इस तरह इनकी इनर स्किन उतार लूँगी। ये देखें, हमें इनर स्किन चाहिए, इस पूरे छिलके से मैं उतार लूँगी। बनाना पील्स में एंटीऑक्सीडेंट लुटिन और मिनरल पोटेशियम मौजूद होते हैं जो कि हमारी स्किन को हील करते हैं और इन्हें देर तक जवान रखने में मदद देते हैं। ये देखें, इस सारे छिलके से हमने ये इनर स्किन ले ली है। अब इसे एक प्लेट में निकाल के हम इसे अच्छे से मैश कर लेते हैं। अब इसमें हम ऐड करेंगे एप्पल साइडर विनेगर यानी कि सेब का सिरका। ये आप किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं। ये मैं 1/4 टीस्पून यानी कि चम्मच का 1/4 हिस्सा यूज़ कर रही हूँ। इसे बनाना पील के साथ अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। एप्पल साइडर विनेगर में अल्फ़ा हाइड्रोक्सी एसिड मौजूद होता है जो कि हमारी स्किन से रिंकल्स को रिड्यूस करता है और हमारे खुले मसामों को टाइट करता है और इन्हें श्रिंक करता है। अब जो भी अफेक्टेड एरिया है यानी कि ओपन पोर्स है उस पर आपने इसे जेंटली अप्लाई कर देना है। हल्के हाथ से 1 मिनट के लिए मसाज करके आपने छोड़ देना है और 5 से 10 मिनट के बाद इसे आपने ताज़े पानी से धो लेना है। शुरू में आप ये डेली भी यूज़ कर सकते हैं और उसके बाद जब आपके ओपन पोर्स श्रिंक होना स्टार्ट हो जाएं तो आप वीक में 2 से 3 बार अप्लाई कर सकते हैं। स्किन पे अप्लाई करने से पहले आप इसे पैच टेस्ट ज़रूर कर लीजिएगा और अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो आप एप्पल साइडर विनेगर को स्किप भी कर सकते हैं और इसकी जगह जस्ट बनाना पील भी यूज़ कर सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।